अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक ज़िला है। ये वही अलीगढ़ ज़िला है जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसने देश के बड़े बड़े महान व्यक्तियों को अपने ज्ञान से नवाजा है। ये अलीगढ़ ज़िला सन 1803 की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों और मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अलीगढ़ ज़िले की किला आज भी इस बात की गवाही देती है कि यह युद्ध कितना घमासान हुआ था। वैसे अलीगढ़ ज़िला ताले बनाने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ज़िला आज भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए बैठा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अलीगढ़ ज़िला की कुछ खास बातें जिसे आप शायद ही जानते होंगे। अलीगढ़ ज़िला उत्तर प्रदेश के विकसित ज़िलों में से एक है। जनसंख्या के मामले में इस ज़िले का स्थान उत्तर प्रदेश में 9वां व भारत में 55वां स्थान है। मध्यकालीन युग में इस क्षेत्र पर राजा साबित खान का राज हुआ करता था। उस समय इसका नाम साबितगढ़ के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ ज़िला कई सारे पड़ोसी ज़िला से घिरा हुआ है। अलीगढ़ ज़िला के उत्तर भाग की ओर गौतम बुद्ध नगर ज़िला व बुलंदशहर ज़िला, पूर्व भाग की ओर कासगंज व हाथरस ज़िला, पश्चिम भाग की ओर मथुरा व हरियाणा का पलवल ज़िला। लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर में फैले इस ज़िले की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 36 लाख से ऊपर थी। ज़िले की 19% आबादी शहरों में रहती है तथा 81% आबादी गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अलीगढ़ ज़िला में 69% हिंदू, 29% मुसलमान व 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। ज़िले की औसत लिंगानुपात 837 के करीब है, यानी कि अलीगढ़ ज़िला में 1000 पुरुष पर 837 लड़कियां जन्म लेती हैं और ज़िले की साक्षरता दर 66% है, यानी कि ज़िला में 66% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें पुरुष 77% पढ़े लिखे हैं और महिला 55% पढ़ी लिखी हैं। यह शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 156 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 380 किलोमीटर दूर स्थित है। अलीगढ़ ज़िला अपने तालों के कारखाने के लिए भी भारत में प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इस ज़िले को ताला नगरी भी कहा जाता है। देश के 75% ताले अकेले अलीगढ़ ज़िला में बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे अलीगढ़ ज़िला से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि आपको हैरान कर रख देगी। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह जंक्शन भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन पर प्लेटफार्मों की कुल संख्या 8 है और यह जंक्शन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, कानपुर दिल्ली लाइन, अलीगढ़ दिल्ली लाइन पर मौजूद है। यह रेलवे जंक्शन रेलवे के माध्यम से देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ ज़िला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है और हर वर्ष हजारों सैलानी इस ज़िले की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सा पर्यटक स्थल है जिसके बिना अलीगढ़ ज़िले का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, डोर किला। इस समय तो इस किले की दीवारें कमज़ोर हैं, लेकिन आज भी यह किला अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन युग में यह किला भारत में स्थित सभी किलों में से मजबूत माना जाता था, किंतु आज के समय में इस ज़िले की दीवारें जर्जर पड़ी हुई हैं। नंबर 2, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी भारत के सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। बड़ी लाइब्रेरी होने के साथ साथ यह लाइब्रेरी सबसे खूबसूरत भी है। इस लाइब्रेरी का नाम देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबू कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट है। नंबर 3, जामा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण राजा साबित खान के द्वारा सन 1734 ईस्वी में कराया गया था। यह मस्जिद
अलीगढ़ के सबसे पुराने व बड़ी मस्जिदों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद को बनवाने में 14 वर्ष लगे थे। नंबर 4, शेखा झील। शेखा झील, यह झील अलीगढ़ के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। यह झील अलीगढ़ शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और पर्यटक स्थलों में से एक होने के साथ साथ सिंचाई का भी यह अच्छा विकल्प है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अलीगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके बाद इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें।